किसी छोटे शहर की एक लड़की जब उस पेशे में कुछ नया करने का प्रयास करती है जिस पर पुरुषों का ही आधिपत्य माना जाता है, तो उसको लेकर के तमाम बातें की जाती हैं, तमाम तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं। लेकिन सिमरन जैसी कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो इन तमाम बातों से बेपरवाह होकर के अपने लक्ष्य को पाने तक अपना जो प्रयास है वो जारी रखती हैं। हमारे साथ जो सिमरन आपको दिखाई दे रही है, सिमरन पहले गोरखपुर की ब्यूटी क्वीन भी रह चुकी हैं, मिस गोरखपुर रह चुकी हैं, मॉडलिंग की दुनिया में इन्होंने काफ़ी काम किया, लेकिन परिवार चलाने के लिए इन्होंने उस काम को करना शुरू किया जो गोरखपुर और इस तरह के जो छोटे शहर है वहाँ पे पुरुषों का ही एक अधिकार माना जाता है। लेकिन लोगों की जो तमाम बातें हैं उसको दरकिनार कर इन्होंने जो अपना बैनर बनाया ना, इस बैनर पे भी वो एक मैसेज देने की कोशिश की है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। चाय कैसे मन में आया कि चाय भी बेचा जा सकता है, और चाय बेचने को लेकर के जो स्लोगन लिखा है उसके पीछे का क्या मकसद? देखिए, प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी यही है कि लोग क्या कहेंगे ये सोच के बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर ही नहीं पाते हैं और ज़िंदगी बीत जाती है। और जब ज़िंदगी इस दौर पे आ जाती है कि लगता है अगर ये काम हमने पहले किया होता तो आज यहाँ हम ना होते, तो ये सोचना ही क्यों है? आप बिना सोचे ही काम करना शुरू कर दो तो उस टाइम तक आप कहीं ना कहीं एक मुकाम हासिल कर लोगे। फिर थोड़ा सा कहते हैं ना, स्टेबल हुआ तो जॉब मिली, बिजली विभाग में जॉब की, लगा अब सब कुछ सही हो जाएगा शायद, हाँ, लेकिन वहाँ पे भी नहीं हो पाया बिकॉज सैलरी का इशू, सैलरी वगैरह का बहुत इशू होता था। तो जब तक चला तब तक चला, लेकिन जब ये हुआ कि अब एकदम नहीं, क्योंकि चार चार महीने सैलरी डिले होना, तीन तीन महीने डिले होना, फिर इंसान कैसे सर्वाइव करेगा? पैसे कमाने के लिए तो काम कर रहा है, अपनी लाइफ स्टाइल को सही रखने के लिए। तो चाय ही से मैंने सोचा कि स्टार्ट करते हैं, कन्वीनियंट है, कम बजट में स्टार्ट हो सकता है, इसकी कोई फैशन आउट नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं है। जिस तरह से एक मॉडलिंग के पेशे में काफ़ी सालों से लगे रहने के बावजूद आर्थिक मंदी के समय सिमरन ने एक बड़ा डिसीजन लिया और मॉडल चाय वाली के नाम से आज गोरखपुर में मशहूर हो चुकी हैं। इन्होंने एक मैसेज भी दिया है कि लोगों की बातों में नहीं आए, लोग तो तमाम बातें बनाते हैं लेकिन अपना लक्ष्य अगर पाना है तो लगातार लगे रहना होगा। और यही मैसेज लेकर के, यही उद्देश्य लेकर के कि अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करना है, सिमरन लगातार यहाँ पे चाय बेच रही हैं और इनके चाय के दीवाने अब पूरे गोरखपुर में लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं। वीडियो लिस्ट रिपोर्ट था दीपक श्रीवास्तव, गोरखपुर।